Good morning, students. That's the last time we showed that the practice set number 3.5 कुछ example अपने देखे हैं. अभी देखते हैं कि tangent secant में कुछ example और हैं जो practice set 3.5 example number 3 देख रहे हैं. In the given diagram, आपको ये diagram दी गई है. ये diagram में A जो है, A बाह्य स्पर्श बिंदु है. A का है बाह्य स्पर्श बिंदु. B जो है, AB है आपका क्या बना? Tangent बना स्पर्शिका. And DCE जो है इतना आपको क्या बना? छेदिका. वो आप बढ़ते होते हैं कितना बिंदु है जो परपेंडिकुलर है ये जो वृत्त छेदिके वर ओ ए परपेंडिकुलर आणि ए बी जे तुम्हाला 12 दिलेले आहे ए सी तुम्हाला कंप्लीट 8 दिलेले आहे पण टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन ए डी आपको ए डी जो है वो फाइंड आउट करना है बराबर अब ए डी फाइंड आउट करने के लिए ए डी और सी डी भी निकालना ए डी और सी डी भी आपको फाइंड आउट करना है तो सी डी फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीट एक स्पर्शिका दिलेली आहे आणि एक छेदिका दिलेली आहे स्पर्शिका छेदिका प्रमेयानुसार तर रेषाखंडाच्या आपण लिहिणार आहे त्या जसं आपण एक्झाम्पल मध्ये बघितलं आहे रेषाखंडाच्या स्पर्शिका छेदिका प्रमेयानुसार स्पर्शिका छेदिका प्रमेयानुसार या प्रमेयानुसार काय होत आहे स्पर्शिकेचा वर्ग म्हणजे ए बी चा स्क्वेअर इज इक्वल टू ए डी मल्टिप्लाइड इज दैट ए सी ए बी स्क्वेअर ए बी की वैल्यू 12 होता है स्क्वेअर ए डी की वैल्यू आपको दी गई है क्या एडी नहीं है एडी फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाइड एसी इज दैट ए बराबर दैट द 144 इज इक्वल टू एडी मल्टीप्लाइड ए दैट 144 8 मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा इज इक्वल टू एडी और फिर 8 से 144 को डिवाइड करते हैं तो 18 इज इक्वल टू एडी तो आपको एडी की वैल्यू कितनी मिल गई है 18 बराबर एडी आपको फाइंड आउट आपने फाइंड आउट कर लिया है सीडी फाइंड आउट करना है तो कंप्लीट एडी लेते हैं कंप्लीट एडी इज इक्वल टू एसी प्लस बीसी दोनों की सम कंप्लीट पूर्ण सेकंड पूर्ण वृत्त छेदिका पूर्ण वृत्त छेदिका ये एडी इज इक्वल टू एसी प्लस बीसी एडी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है 18 एसी जो है वो फाइंड आउट करना है प्लस बीसी की जो वैल्यू है एसी भी दिया गया है एसी 8 दिया गया है डीसी कितना मिलेगा दैट द फाइंड आउट करना है डीसी दैट 18 माइनस 8 इज इक्वल टू डीसी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डीसी इज इक्वल टू 10 इस प्रकार आपको डीसी मिल जाएगा 10 अभी फाइंड आउट करना है डीई क्या फाइंड आउट करना है डी इसी एग्जांपल में डीई फाइंड आउट करना है आपको डीसी तो मिल गया बराबर है डीसी मिल गया अभी फाइंड आउट करना है डीई लेकिन ओई परपेंडिकुलर है डीसी क्या है OE परपेंडिकुलर है DC वे वर्तुळाच्या केंद्रातून जीवेवर टाकलेला लंब जीवे दुभागतो अशा प्रकारची एक प्रॉपर्टी आहे सर्कल मध्ये वर्तुळाच्या केंद्रातून वर्तुळाच्या केंद्रातून ओ मध्ये वर्तुळाच्या केंद्रातून जीवा DC वर काढलेले रेषाखंड त्या जीवे दुभागतो वर्तुळाच्या केंद्रातून जीवेवर टाकलेला लंब जीवेस दुभागतो म्हणजे काय तर जीवेस दुभागतो म्हणजे याचे इक्वल भाग तयार करतो जीवेस दुभागतो म्हणजे इक्वल भाग तयार करतो दैट द मीनिंग इज दैट डीई इज इक्वल टू इज द हाफ ऑफ बीसी म्हणजे डीई टू व ईसी हा हाफ आहे बीसी का अगर वी गो द डीई इज इक्वल टू द 1/2 मल्टीप्लाई डीसी इज दैट 10 द डीई इज इक्वल टू व्हाट इज दैट 5 तो इन दिस इस प्रकार आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट क्लियर तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 में एग्जांपल नंबर 3 अपन ने सॉल्व किए हैं इसी प्रकार एग्जांपल नंबर 4 और 5 भी आपको सॉल्व करना है ओके okay.